हाय फ्रेंड्स, आपने इतने सारे सीसीटीवी रिलेटेड वीडियो देखे, उसके लिए थैंक यू। और भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नया कोई भी अपडेट आता है कैमरा रिलेटेड तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो आज हम प्रामा डीवीआर के बारे में जानेंगे। प्रामा डीवीआर ब्लैक कलर का जो बॉक्स है, अगर आपके यहाँ ये वाला सेटअप लगा हुआ है, तो इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले बता देता हूँ मैं, ये अपना मेन मेन्यू है, डिस्प्ले इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो ये देख लीजिए एक बार, ये पैटर्न आपका खोलना है आपको, ये पैटर्न ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो एक होम का ऑप्शन दिख रहा है, होम ये दिख रहा है आपको, होम ये यहाँ पे क्लिक करना है और आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लाइव व्यू, प्लेबैक, सर्च, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस। तो प्रामा के इस डीवीआर में मैं आपको आज प्लेबैक के बारे में बताऊंगा। तो एक बार फिर से बाहर आके मैं सारे ऑप्शंस क्लियर करता हूं। आपको लॉक खोल लेना, उसके बाद में ये यहां पे होम का निशान है, इस पर क्लिक करना है, बीच वाले बड़े ऑप्शंस पे क्लिक करना है जहां पे प्लेबैक लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहां पे आपको कैमरा नंबर सिलेक्ट करना है, जो भी कैमरे की आपको रिकॉर्डिंग देखनी है कैमरा सिलेक्ट करना है। नीचे टाइमलाइन जो बना हुआ है इसको स्क्रॉल करना है आगे पीछे लेकर, आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। ये आपका डिस्प्ले आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, होम का ऑप्शन आएगा, होम पर क्लिक करना है, प्लेबैक पर क्लिक करना है, कैमरा नंबर आपको सिलेक्ट करना है जिसकी रिकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे कैलेंडर बना हुआ, टाइम सिलेक्ट और डेट सिलेक्ट कर लेना है कौन सी तारीख की आपको रिकॉर्डिंग देखना है। मान लो 10 तारीख की देखना है तो 10 पे सिलेक्ट किया है और नीचे जो टाइमलाइन आ रही है इस पे मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये देखो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है 10 तारीख की। तो इस प्रकार से आप अपना प्रामा डीवीआर पे प्लेबैक का ऑप्शन देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।